नमस्कार दोस्तों दोस्तों चुनाव बहुत नज़दीक है। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर चुका है। यदि आप भी अपने ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या आपके परिवार का नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, तो किस तरह से वोटर लिस्ट को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। मैं धर्मेंद्र सिंह यादव स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल नूतन सॉल्यूशन वर्ल्ड में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हमें वोटर लिस्ट को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यदि आप मोबाइल पर यूज करना है तो आप इसको डेस्कटॉप मोड पर यूज कर लें, आपको सारे फंक्शन सेम दिखाई देंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है eci.gov.in। ये भारत निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। इस वेबसाइट पर आने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है, जनरल इलेक्शन 2024। या नीचे की ओर अगर अब हम देखें, स्क्रॉल करते हुए जाएँ, तो यहाँ पर हमें भारत का एक मैप दिखाई देता है। यहाँ पर हम जिस भी राज्य के हैं, हम जिस भी राज्य की, जिस भी जिले की या गाँव की अपनी डाउनलोड करना चाहते हैं, वो राज्य कौन सा है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आप अगर महाराष्ट्र से हैं तो आप महाराष्ट्र को सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यूपी से हूँ तो मैं यहाँ पर यूपी को सेलेक्ट कर लूँगा। यानी जिस भी जगह की हम डाउनलोड करना चाहते हैं, इस मैप पे जाकर हम उस नक्शे पे सबसे पहले हम उस राज्य को सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर दी, तो यहाँ पर फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उसकी एक नई वेबसाइट हमारे सामने स्विच होकर आ जाती है। वेबसाइट ओपन होते ही हमारे सामने एक वोटर पोर्टल का एक पॉपअप आ जाता है, जिसमें यहाँ पर वोटर पोर्टल के बारे में, वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में एक QR कोड दे रखे हैं। आप इनको स्कैन करके अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड करके भी इन सारी चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। जैसे वोटर पोर्टल पर जाकर आप अपना कोई भी नया वोटर कार्ड बनाना है, कोई डिलीट करना है, उसका करेक्शन करना है, इसको कैसे करके बनाना है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर आई बटन पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो इस पॉपअप को यहाँ पर हम जाकर कैंसिल कर देंगे। दोस्तों मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश की वोटर हेल्पलाइन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप किसी भी पार्टी के बारे में, किसी इलेक्शन रिजल्ट के बारे में, यूपी से रिलेटेड यानी किसी भी इलेक्शन से संबंधित कोई भी जानकारी आप यहाँ पर आसानी से ले सकते हैं। हम यहाँ पर मीडिया में, RTI में, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, इलेक्शन रिजल्ट के बारे में, कोई भी पुराना रिजल्ट है उसमें कौन इलेक्शन में कितने किसको वोट मिले, यानी सारी डिटेल्स हम यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है। हम चूंकि उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं अपने गांव का, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर वोटर सर्विस नाम से एक टैब दिखाई देता है। यहाँ वोटर सर्विस टैब पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ लिख जाता है इलेक्ट्रिक रोल PDF। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इलेक्ट्रिक रोल PDF। इस ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने वोटर सर्विस पोर्टल का एक नया वेबसाइट हमारे सामने फिर से स्विच होकर आ जाता है। यहाँ पर हम स्टेट ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, हमें अपने यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आप उत्तर प्रदेश के जिस भी जिले से रहने वाले हैं, उस राज्य की यहाँ पर टोटल आपको जिलों की लिस्ट निकल कर आपके सामने दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। आप जिस भी असेंबली में हैं, मान लो जो भी आपका लगता है, तो वो यहाँ पर आपको सामने, आपके सामने एक लिस्ट निकल कर आ जाती है। क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने आंवला का निकालना है या नवाबगंज का निकालना है या फरीदपुर का निकालना है, जिस भी जगह का निकालना है उसको आप यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन आता है सेलेक्ट लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में उसको लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको हिंदी, सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है हिंदी का। उसके बाद यहाँ नीचे देखें तो यहाँ एक कैप्चर कोड फिल करने का ऑप्शन है। यहाँ पर ध्यान रखें, अगर आप यहाँ नीचे लिस्ट में से किसी भी चीज़ को डाउनलोड करते हैं, किसी भी वोटर लिस्ट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कैप्चर कोड सबसे पहले सही सही फिल करना होगा। जैसा कैप्चर कोड यहाँ पर दे रखा है, उसी कैप्चर कोड को आप यहाँ पर पहले फिल कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि कैप्चर ये हमारा नॉट रीडेबल है, तो आप यहाँ पर रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर जाकर इस कैप्चर कोड को बदल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ये, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को बदल सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर इस कैप्चर कोड को फिल कर लेंगे। कैप्चर कोड फिल हो जाने के बाद हम यहाँ पर नीचे की ओर देखें तो हमें यहाँ पर प्रत्येक बूथ लेवल टाइप से हमारे सामने वोटर लिस्ट का ऑप्शन डाउनलोड करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए तीन ऑप्शन दे रखे हैं, ड्राफ्ट रोल, अभी हाल ही में जिसमें संशोधन हुआ है वह, फाइनल रोल जो बिल्कुल फाइनल है, और जनरल इलेक्शन 2024 के लिए जो फाइनल निकल कर आएगी वो लिस्ट। यहाँ पर तीनों में से कोई भी आप यहाँ पर
अपनी वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बूथ लेवल आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जिस भी ग्राम पंचायत से हैं आप, यहाँ पर उस ग्राम पंचायत के नाम को यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आप जिस भी वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं, ड्राफ्ट रोल को करना चाहते हैं या फाइनल को करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने गाँव का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आपको लगता है इस लिस्ट में मेरा यहाँ पर नाम नहीं है, तो यहाँ नीचे की ओर आपको यहाँ पर 120 रिकॉर्ड्स, एक पेज पर 20 गाँव के नाम निकल कर आ रहे हैं। आप यहाँ पर नेक्स्ट या प्रीवियस करके अपने गांव को आगे लिस्ट में भी यहाँ पर देखकर सेलेक्ट कर लेंगे। वोटर लिस्ट में से आप अपने ग्राम पंचायत को या अपने गांव के नाम को सेलेक्ट करने के बाद वोटर लिस्ट पर सिंपली आपको यहाँ पर ये नीले एरो वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ देर लगती है, क्योंकि यह फाइल काफ़ी MB की हो सकती है, यानी जितने भी वोटर्स हमारे गाँव में होंगे उसी हिसाब से या उसके साइज़ के अनुसार या नेट की स्पीड के अनुसार थोड़ा देर लेगी। यहाँ पे हमें कुछ देर वेट कर लेना है, और वेट कर लेने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे सामने हमारी वोटर लिस्ट जो है वो डाउनलोड होकर यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ देखें, जनरल इलेक्शन 2024। इस वोटर लिस्ट को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने वोटर लिस्ट कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाती है। यहाँ पर देखें, ये PDF फॉर्मेट में है, और इस PDF फॉर्मेट को यहाँ पर सिंपली प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ पर इसे डाउनलोड करके अपने पास सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे सामने हमारे गांव की टोटल एक जो वोटर लिस्ट थी रिवाइज 2024, बिल्कुल लेटेस्ट वोटर लिस्ट हमारे सामने निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर आपके गांव की टोटल डिटेल आपके लिए मिल जाती है कि जो प्राथमिक क्रम संख्या है वो 1 है, अंतिम क्रम संख्या 1275, पुरुष 656, महिला 548, कुल 1204 वोटर्स आपके गाँव में हैं। यहाँ पर उसका नक्शा, बूथ, जो भी आपका जिस भी जगह पे आपके वोटर वोटिंग होती है उसका, जैसे स्कूल है प्राइमरी, तो यहाँ पर इसका नक्शा या इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारे सामने। उसके बाद नीचे देखें तो हमारे पास क्रम संख्या से 1 से लेकर 1275 वोटर्स हैं हमारे गांव में। तो यहाँ पर टोटल्स की हमारे सामने लिस्ट निकल कर आ जाती है। यहाँ पर आपको उसका नाम, पिता का नाम, मकान संख्या, आयु, और उसके बाद वोटर संख्या यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस तरह से आप सिंपली अपनी गांव की वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका वोट है या नहीं है, आपके किसी परिवारजन का वोट कटा है या नहीं कटा है। इस चीज़ को आप आसानी से डाउनलोड करके वोटर लिस्ट को देख सकते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो में आप वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना बहुत आसानी से सीख गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।